अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आपको लग रहा है कि खाने पीने का सामान से लेकर के बच्चों की ट्यूशन फीस, आपके कैब का किराया, सब कुछ जो है वो महंगा हो रहा है और कहीं ना कहीं आपको महंगाई से दो चार होना ही पड़ता है, तो एक और महंगाई अब आपका इंतजार कर रही है। अगर आप दिल्ली NCR में घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। कुछ इलाकों में घर खरीदने के लिए आपको अब पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल नोएडा में सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी चल रही है। हाल फिलहाल में NCR में एक और शहर गाजियाबाद में भी सर्कल रेट बढ़ चुके हैं, जिसके बाद यहां प्रॉपर्टी खरीदना तो महंगा हो ही गया है, लेकिन अब नोएडा की बारी। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि नोएडा में कितने और क्यों बढ़ने वाले हैं सर्कल रेट और इससे आपकी जेब पर कैसा असर पड़ेगा। स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सर्कल रेट में बदलाव के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM को प्रस्ताव भेजा है और इसमें सर्कल रेट में 30% तक की वृद्धि का सुझाव दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेजिडेंशियल इलाके में सर्कल रेट में 25-30%, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और IT सेक्टर्स में 10%, जबकि खेती किसान की जमीन यानी फार्म लैंड के मामले में सर्कल रेट में 15% इजाफे का लक्ष्य रखा गया है। नोएडा में नए सर्कल रेट की घोषणा पब्लिक फीडबैक के बाद ही की जाएगी। सर्कल रेट में बदलाव अलग अलग कैटेगरी में प्रॉपर्टी की कीमतों पर असर डालने वाली है, जिसकी वजह से घर खरीदारों को ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। किसी प्रॉपर्टी के लिए स्टैम्प ड्यूटी की गणना जिला प्रशासन की ओर से घोषित सर्कल रेट या अथॉरिटी की ओर से निर्धारित लैंड अलॉटमेंट रेट के आधार पर होती है, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। ऐसे में अगर सर्कल रेट बढ़ता है तो जाहिर तौर पर स्टैम्प ड्यूटी के रूप में आपको जेब से ज्यादा पैसे देने होंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे तीनों अथॉरिटी आमतौर पर हर 6 महीने या साल भर में आवंटन दरें संशोधित करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्कल रेट में साल 2019 से बदलाव नहीं किया गया है। पिछले कुछ सालों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ भी गई हैं और इसके मुकाबले स्टैम्प ड्यूटी जो सर्कल रेट पर आधारित है वो बहुत कम है और इस अंतर को ही कम करने के लिए सर्कल रेट में बदलाव किया जा रहा है। यानी साफ है, अगर फ्लैट की कीमत बढ़ रही है तो फिर सर्कल रेट भी तो बढ़ना चाहिए, यही सोच है अथॉरिटी की। खबरों के मुताबिक सितंबर में गाजियाबाद में नए सर्कल रेट लागू हो गए और सर्कल रेट में 15% की बढ़ोतरी की गई है। वेव सिटी और आदित्य वर्ल्ड सिटी में सर्कल रेट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए सर्कल रेट को 17,300 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। नई दरें लागू हो जाने के बाद रजिस्ट्री करवाना और महंगा हो जाएगा। इससे होम बायर्स को घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, जबकि ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी चुकाने से सरकारी खजाने में तो ज्यादा रकम ही पहुंचेगी, लेकिन हाँ, आपकी जेब जरूर कटेगी।